मकर राशि 2022 फरवरी का मंथ कैसा जाएगा, तो जितने भी मकर राशि के जातक हैं हॉरोस्कोप से पत्रिका के हिसाब से, जन्म पत्रिका के हिसाब से जिनकी मकर राशि प्रेडिक्शन उनके लिए है, इसको सन साइन से प्लीज कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो मकर राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना अच्छा जाएगा, एज इन मैं कोई धन संपत्ति योग तो नहीं कहती, पर ये जरूर कहती हूँ कि आप अपने कुछ पूर्व महीनों के परिश्रम से या जो भी एक्सपीरियंसेस आपको हो या उससे एक अच्छा निचोड़ निकाल पाएंगे इस मंथ, और हम्बल हो जाएंगे, पोलाइट हो जाएंगे, इमोशनली आपका वास इतना भरा हुआ होगा कि कोई आपके पास परेशान आएगा तो आप उसको उतने ही प्रेम से परिपूर्ण करके भेजेंगे, उतने ही प्रेम से उससे बात करेंगे, उसका वेसल जो इमोशनल वेसल खाली है उसको भर देंगे, धन से नहीं तो प्रेम से, अच्छे वार्तालाप से उसको प्रसन्न करके भेजेंगे। तो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, इसको जीवन भर बनाए रखिएगा। स्वयं आपके जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल मची हुई होगी, लेकिन पहले से बेटर होगा ये टाइम फरवरी का आपके जीवन में, और आप शांत भी होंगे, आप प्रसन्न भी होंगे, प्रसन्नता बांटेंगे भी। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे प्रेडिक्शन बताना है मकर राशि वालों के लिए। इट इज अ वेरी नाइस फुलफिलिंग मंथ। जॉब के लिए कोशिश कर रहे थे तो जॉब मिल जाएगी, बिजनेस में कोई अच्छी डील चाहिए थी तो बिजनेस की डील मिल जाएगी, रिश्ता ढूंढ रहे थे तो रिश्ता मिल जाएगा। अनमैरिड कपल्स हैं या मैरिड कपल्स हैं, आप प्रेम से अपने पार्टनर के साथ रहेंगे तो एवरीथिंग विल बी वेरी नाइस। स्टूडेंट्स हैं तो वो अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे और अपने मित्रों के साथ भी अच्छे से इंजॉय करेंगे, एक बैलेंस लाइफ जियेंगे, एवरीथिंग विल बी वेरी गुड। एंट्रेंस दी है मैम, क्या वो क्लियर हो जाएगी? हाँ क्लियर हो जाएगी, पर मेहनत पूरी करनी पड़ेगी। मेरे पास कई क्लाइंट्स आते हैं, बोलते हैं कि आपने कहा था कि योग है, क्लियर होने का हुआ नहीं। अब मैंने आपको ये भी तो कहा था कि सामने आम लटका हुआ है पर वहां तक मुझे जाना है, एक डंडे से उस डाली पर मारना है या पत्थर फेंक के उस आम को तोड़ के अपने पास ला के धो के काट के खाना भी तो है। पुरुषार्थ नहीं छोड़ना, योग है दैट यू विल क्लियर, बट दैट डजंट गारंटी दैट यू विल क्लियर। हाँ दैट गारंटी इज कि अगर आप 60-70% भी जान डालते हैं 100% के बजाय और योग है तो वो 40% योग कवर कर देगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे योग है और सिर्फ 50% पुरुषार्थ डालेंगे और उसके बाद चाहेंगे कि योग है तो हो जाए, तो ऐसा नहीं। तो कुछ एरियाज जैसे जॉब हो गई, बिजनेस हो गया, ये जो एरियाज होते हैं पुरुषार्थ बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके लिए भगवद गीता का पाठ कीजिए जहाँ नारायण स्वयं कह रहे हैं कि पुरुषार्थ से बड़ा कुछ नहीं है। पुरुषार्थ से तो भाग्य में जो चीज नहीं होती वो भी मिल जाती है। वो अर्जुन जी को कहते हैं पार्थ, अगर व्यक्ति के जीवन में कोई चीज नहीं है और वो डट जाए पुरुषार्थ करता रहे तो वो भी उसको मैं सुलभ कर देता हूँ, क्योंकि पुरुषार्थ से प्रिय मुझे कुछ भी नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कर्म कर फल की इच्छा ना कर। अब इसमें लोग ये बातें तो बड़ी करते हैं कर्म करो फल की इच्छा ना करो, पर फल की इच्छा सबको है। जैसे अब योग है मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा लेकिन मुझे करना कुछ नहीं, तो यहाँ पे अप्लाई करो, कर्म करो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ अच्छा करोगे तो अगर योग बना हुआ है तो फल भी मिल जाएगा, है ना। वो तो कहते हैं फल की इच्छा भी मत करो, अपना बेस्ट दो, इससे बढ़िया और कोई लेसन नहीं हो सकता हर व्यक्ति के लिए। आप सिर्फ अपना बेस्ट दो, आपको वापस क्या मिल रहा है ये उन पे छोड़ दो, क्योंकि वो जो आपके लिए चूज करेंगे और आपके लिए जो सोचेंगे उससे उत्तम और कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है तो महीना अच्छा जाएगा, रोग की संभावना ऐसी नजर नहीं आती है, लेकिन फिर भी अपना थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब हम आ जाते हैं लकी कलर लकी नंबर पे। तो लकी कलर आपके लिए निकल कर आ रहा है येलो एंड सी ग्रीन, और लकी नंबर आपके लिए निकल कर आ रहा है 8 and 4। तो इन सब बातों का प्रयोग कीजिए और हो सके तो मछलियों को खाना डाल दीजिए या मछुआरों से मछली खरीद के समुद्र में या किसी नदी में उन्हें जीवन दान दे दीजिए, बहा दीजिए जिंदा, तो ये आपको और बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करके बेनिफिट्स देगा जीवन में आगे। एंड प्लीज़ मछलियों को खाना नहीं है, नॉन वेजिटेरियंस के लिए मैं बता दूँ, अगर आप मकर राशि के हैं यू डोंट हैव टू ईट नॉन वेज। मछलियों को तो बिल्कुल नहीं मारना है आपने, और बाकी जीवों को भी नहीं मारना, सब जीव एक से होते हैं, ठीक है। सो दिस मंथ विल बी वेरी ऑस्पिशियस फॉर यू ऑल। इस मंथ में जो मैंने आपको बताया वैसा कीजिए और अपने इस महीने को और अच्छा व्यतीत कर लीजिए। धन्यवाद।